रहमान रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मोरा स्कॉलरशिप 2023 के रिलेटेड है। मोरा स्कॉलरशिप जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की तरफ से मिनोरिटी स्टूडेंट्स को जो है ऑफर किया जाता है। मोरा स्कॉलरशिप में ऑनलाइन अप्लाई जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 2 नवंबर 2023 है। मोरा स्कॉलरशिप में बेसिकली सिर्फ नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि करंटली किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो है वो स्टडी कर रहे हों। प्राइमरी से लेकर बीएस प्रोग्राम तक तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। स्टूडेंट के फादर की मंथली इनकम जो है वो 64,000 से लेस होनी चाहिए, और इसके अलावा स्टूडेंट के जो है वो लास्ट ईयर में 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में करंटली बीएस प्रोग्राम में जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो आपने 2 सेमेस्टर्स का रिजल्ट जो है वो आपने साथ में अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के। और इन केस ऑफ CGPA सिस्टम, आपने इवेल्यूएशन शीट जो है यूनिवर्सिटी से लेके वो आपने साथ एप्लीकेशन के अटैच करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट के पेरेंट का जो है वो किसी भी बैंक में अकाउंट होना जो है वो लाजमी है। ऑनलाइन अप्लाई होगा बेसिकली स्कॉलरशिप के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने एप्लीकेशन जो है वो अपने इंस्टीट्यूट के हेड से जो है वो वेरीफाई करवानी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वेरीफाई करवाने के बाद आपने मार्कशीट जो है अपनी मैट्रिक की, FSC की या BS प्रोग्राम के लास्ट ईयर 2 सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड जो है वो आपने अटेस्टेड करवाना है अपने यूनिवर्सिटी के हेड से। इसके अलावा अपने फादर के या गार्डियन के ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट जो है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, आपने अपनी अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है, और ये TCS होगा। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इधर आपको ऑप्शन शो हो जाएगा लेटेस्ट न्यूज़ में, इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप टू मिनोरिटी स्टूडेंट्स। इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन है वो शो हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट जो है ये आपको शो हो जाएगी, इसे आपने क्लियरली रीड करना है। तमाम इंस्ट्रक्शंस को जो है आपने रीड करना है। रीड करने के बाद जो है आपने इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोर्टल जो है जिसपे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए वो ओपन हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले स्टूडेंट CNIC नंबर जो है अपना CNIC नंबर वो आपने इंटर करना है। इसके बाद अपना फुल नेम जो है अपने वो इंटर करना है, फादर का फुल नेम इंटर करेंगे। इसके बाद जेंडर जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ इसके बाद आप इंटर करेंगे, सबसे पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने रिलीजन कम्युनिटी जो है वो आपने इधर अपने सिलेक्ट करनी है, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैनिज्म आपने वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद प्रोविंस जो है आपका अपने वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने मोबाइल नंबर जो है अपना वो इंटर करना है। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर इंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस इंटर करना है, अपने पोस्टल एड्रेस इंटर करेंगे, और परमानेंट एड्रेस जो है आपने वो इंटर करना है। इसके बाद आपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है, सबसे पहले फादर का नेम जो है आपने वो इंटर करना है। इसके बाद रिलेशन जो है आपने वो सिलेक्ट करना है फादर। इसके बाद अपने फादर का प्रोफेशन जो है आपका अपने वो इधर इंटर करना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, आपने वो इधर इंटर करना है। इसके बाद मंथली इनकम जो है फादर की आपने वो इधर इंटर करनी है। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स जो है अपनी वो आप इंटर करेंगे, आप करंटली जो किस क्लास में स्टडी कर रहे हैं अपने उस क्लास का नेम जो है वो इधर इंटर करना है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी कर रहे हैं, मिडिल कर रहे हैं, या मैट्रिक में, FSC में, आप वो इधर इंटर करेंगे। इसके बाद कौन सी क्लास या कोर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप जो है वो रिक्वायर्ड है अपने वो इसका नेम इधर इंटर करेंगे। इसके बाद एजुकेशनल लेवल जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, करंटली एजुकेशनल लेवल जो है वो आपका क्या है, ग्रेजुएशन लेवल है, इंटरमीडिएट है, सेकेंडरी है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने कौन से इंस्टीट्यूट से जो है वो आप करंटली स्टडी कर रहे हैं वो आपने इधर इंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का नेम जो है आपने वो इंटर करना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें आप करंटली स्टडी कर रहे हैं उसका नेम इंटर करेंगे, और स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना लाजमी है। इसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो लोकेटेड है अपने उस डिस्ट्रिक्ट का नेम इंटर करेंगे, उस तहसील का नेम इंटर करेंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंस्टीट्यूट जो है उसका अपने नंबर जो है वो इधर इंटर करना है। इसके बाद अपने ईयर ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट जो है वो अपना सिलेक्ट करना है, लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो अपने इधर इंटर करना है। टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, ऑब्टेंड मार्क्स इंटर करेंगे, परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करके इंटर करेंगे। इसके बाद अपने फादर के बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो है अपने वो इधर इंटर करनी है। सबसे पहले बैंक अकाउंट टाइप जो है आपने वो सिलेक्ट करनी है, सिंगल अकाउंट है या ज्वाइंट अकाउंट है। इसके बाद टाइटल ऑफ अकाउंट जो है, अकाउंट का नेम, अकाउंट होल्डर का नेम जो है आपने वो इधर इंटर करना है। इसके बाद रिलेशन विद अकाउंट जो है वो आपने इधर बताना है, फादर का अकाउंट है, मदर का अकाउंट है या सेल्फ अकाउंट है वो आप इधर इंटर करेंगे। इसके बाद अकाउंट होल्डर का, अकाउंट का नंबर जो है आपने वो इधर इंटर करना है, IBAN नंबर जो है अकाउंट का वो इंटर करेंगे, कौन सा बैंक का अकाउंट है आपने वो इधर इंटर करना है। इसके बाद ब्रांच नेम इंटर करेंगे, ब्रांच कोड,
ब्रांच का जो लोकेशन है या कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपने इधर एंटर करना है, और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद आपने रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।